Hey friends, welcome once again to your channel Dreamshot. Today we'll talk about image quality versus feature. जब आप कोई कैमरा बाय करते हो तो कैमरा बॉडी के अंदर विच शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एक्चुअली मैंने इसका एक पोल बनाया और वो पोल का जो रिजल्ट है इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माई परसेप्शन. मुझे हमेशा लगता था कि फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा कैमरा बेटर इमेज क्वालिटी देता है ये सोच के कैमरा बाय करने वाले बहुत ज़्यादा है. मुझे लगा था कि हो सकता है कि 60% लोग इमेज क्वालिटी बोलेंगे और 40% लोग जो है वो फीचर्स को प्रेफर करेंगे, बट सरप्राइजिंगली 90% लोग यू प्रेफर इमेज क्वालिटी. इट वॉज एक्चुअली इंटरेस्टिंग टू रीड सम ऑफ योर कॉमेंट्स. तो इस वीडियो में मुझे लगा मैं अपना एक पर्सपेक्टिव देता हूँ. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. देखिए कैमरा में फीचर्स क्या होता है ये सबको पता है, लेकिन इमेज क्वालिटी का जो डेफिनेशन है ना वो हमें अलग अलग मिलता है. काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है उनसे जब हम लोग अपने फोटोज को मैच करेंगे वो फोटो जितना ज़्यादा क्लोज है उस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से, जितना एक्यूरेट है उस ऑब्जेक्ट से, उतना अच्छा हमारा कैमरा का इमेज क्वालिटी है. लेकिन एक और पर्सपेक्टिव भी है, वो ऐसा है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो व्यूअर है उसको ज़्यादा प्लीज करना चाहिए. ऑब्वियसली उसमें कलर, डेप्थ, शार्पनेस सब इंक्लूड होता है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से हम लोग मैच नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचेंगे कि स्टार ट्रेल जो होता है ना, दैट डजंट मैच द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. हम अपने नेकेड आई से स्टार ट्रेल नहीं देख सकते, बट यू कैन स्टिल मेक अ ब्यूटीफुल इमेज. तो आज के लिए हम इतना ध्यान में रखते हैं, कैमरा जो इमेज क्रिएट करता है अगर वो इमेज की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, कलर एंड एवरीथिंग इफ इट प्लीजेस द व्यूअर, देन दैट कैमरा गिव्स अ गुड इमेज क्वालिटी. फीचर इंपॉर्टेंट है या इमेज क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए मैंने दो तीन अलग अलग चीज़ें किया है. सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई कैमरा में एक पर्टिकुलर फीचर नहीं है क्या वो हम रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, वो देखते हैं, और उससे कंपेयर करेंगे इमेज क्वालिटी. इमेज क्वालिटी जो क्रिएट करता है कोई भी एस्पेक्ट हो उस एस्पेक्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं. दूसरी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग कोई कैमरा खरीदने जाते हैं तो फीचर्स देख के खरीदने से क्या डिफरेंस होता है, और इमेज क्वालिटी की जो एस्पेक्ट्स है वो देख के खरीदने से क्या फर्क पड़ता है. तीसरा और लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम एक व्यूअर पर्सपेक्टिव से देखेंगे. हम तो फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन एक व्यूअर इमेज क्वालिटी को कितना इंपॉर्टेंस देता है. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज क्वालिटी को डिफाइन करने वाले फैक्टर्स. इमेज क्वालिटी को डिफाइन करने वाले काफी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि नॉइस, मतलब जो लो लाइट परफॉर्मेंस होता है वो, डायनेमिक रेंज, कलर डेप्थ, शार्पनेस, डिस्टॉर्शन, यूनिफॉर्मिटी, क्रोमैटिक एबरेशंस, फ्लेयर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. इसको छोड़ के भी मैक्सिमम डेंसिटी, कलर मॉयर, आर्टिफैक्ट्स बहुत कुछ है, लेकिन हम उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. जो इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फैक्टर्स ऑफ इमेज क्वालिटी हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो अगर हम देखेंगे कलर डेप्थ, डायनेमिक रेंज, नॉइस, ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये एक कैमरा बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है. शार्पनेस, डिस्टॉर्शन, यूनिफॉर्मिटी, क्रोमैटिक एब्रेशन और फ्लेयर, ये काफ़ी हद तक लेंस के ऊपर डिपेंड करता है. तो ऑन अ हाई लेवल कलर डेप्थ, डायनेमिक रेंज और लो लाइट सेंसिटिविटी, जो इमेज क्वालिटी का इतने सारे फैक्टर्स में से सिर्फ कुछ ही फैक्टर्स कैमरा के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है. अब मान लो मेरे पास दो कैमरास है, एक में उतना डायनेमिक रेंज है नहीं, दूसरे में कुछ ज़्यादा डायनेमिक रेंज है. दो कैमरास के बीच में अगर एक का डायनेमिक रेंज दूसरे से बेटर है तो वो मोस्टली शायद 5% या 10% तक फर्क पड़ेगा. अगर हम लोग उसके बदले में पोलराइजिंग फिल्टर्स यूज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाता है. इसका मतलब क्या है, जितना डायनेमिक रेंज हम लोग कैमरा के अंदर की जो मैकेनिज्म है वहां से कंट्रोल कर सकते हैं उससे ज्यादा एक्सटर्नल एक्सेसरी से कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरा लो लाइट परफॉर्मेंस, तो मुझे लगता है कि आई थिंक शॉट इज सो मच डिपेंडेंट ऑन कि हम लोग उसको शूट कैसे करते हैं. अगर हमें आर्टिफिशियल लाइट्स यूज करने आता है, अगर हम लोग नेचुरल लाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, देन वी डोंट हैव टू डिपेंड सो मच ऑन कैमरा साइज और परफॉर्मेंस. एक जगह है जहां पे हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो है कलर डेप्थ. बाकी जो सारे इमेज क्वालिटी डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है इट डिपेंड्स ऑन द लेंस. आप कोई भी अच्छा लेंस यूज कर सकते हो. अगर हम लोग फीचर्स पे जाएंगे, मान लो कोई कैमरा का ऑटो फोकस बिल्कुल अच्छा नहीं है तो उसको हम लोग कैसे रिप्लेस करें, कोई चॉइस ही नहीं है. अगर हमारे लिए ऑटो फोकस इंपॉर्टेंट है तो मान लो आपके लिए टच स्क्रीन इंपॉर्टेंट है. मोबाइल में इधर उधर हम हर जगह आजकल टच स्क्रीन यूज करते हैं. सोचो आपको लगा कि आपको कैमरा भी टच स्क्रीन वाला चाहिए, वो एक स्पेसिफिक फीचर होता है. अगर नहीं है तो नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. मुझे कैमरा में दो कार्ड स्लॉट की जरूरत होता है वेडिंग्स और कोई भी इवेंट्स में, जल्दी से कार्ड खत्म हो जाता है. इस चीज को कैसे रिप्लेस करूं मैं. कैमरा के अंदर आजकल इमेज स्टेबलाइजर आने लगा है. अगर इमेज स्टेबलाइजर कैमरा के अंदर है
तो मुझे लेंस विद इमेज स्टेबिलाईजेशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जो भी मैं लेंस लेने वाला हूँ उसके लिए एक इनएक्सपेंसिव ऑप्शन क्रिएट कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ इमेज क्वालिटी की जो बात है जो कैमरा बॉडी के अंदर होता है अगर वो नहीं है तो हम बाहर उसको कैसे हम लोग फोटो क्लिक करते हैं एक्सेसरीज के साथ वगैरह कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर फीचर ही नहीं है तो उसको कॉम्पेंसेट करना बहुत मुश्किल है। दिस इज व्हाट आई फील। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो आपको इमेज क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो हम लेते हैं वो तीन फैक्टर्स कलर डेप्थ डायनेमिक रेंज और ISO परफॉर्मेंस। अब कोई भी बायर जो है कोई भी फोटोग्राफर जो है वो जब दो कैमरास के बीच में कंपेयर करेगा वो कोई भी एक ब्रांड का लो एंड वर्जन वर्सेस हाई एंड वर्जन का कंपैरिजन नहीं करेगा। हर एक फोटोग्राफर का हर एक बायर का एक बजट होता है। मुझे 30,000 में कैमरा लेना है, मुझे 40,000 में कैमरा लेना है, मुझे 80,000 के कैमरा लेना है। तो कैमरा का जो खोज भी है वो उस पर्टिकुलर रेंज के आसपास ही होता है और एक पर्टिकुलर रेंज में डायनेमिक रेंज कलर डेप्थ और ISO परफॉर्मेंस इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा ही नहीं। टेक्निकली डिफरेंस तो रहेगा लेकिन इतना क्लियर डिफरेंस नहीं होगा कि आप इजीली नोटिस कर दे उसको। जैसे हो सकता है कि आपको डिफरेंस दिख जाए एक क्रॉप सेंसर और एक फुल फ्रेम DSLR और मिररलेस के बीच में क्योंकि सेंसर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जब भी हम लोग कैमरा खरीदते हैं हम लोग यूजुअली एक ही रेंज की कैमरास को देखते हैं और जब एक ही बजट की कैमरास है तो उनमें इमेज क्वालिटी का नोटिसेबल डिफरेंस नहीं होगा। लास्ट पॉइंट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूजर्स पर्सपेक्टिव। मैंने कुछ फोटोज अपने दोस्तों को दिखाया, अलग अलग टाइप के लोगों को दिखाया, अलग अलग जॉनर्स की फोटोज दिखाया। हर एक जॉनर में दो फोटोज दिखाया मैंने, एक एन एवरेज फोटो विद अ ग्रेट इमेज क्वालिटी, दूसरा अ वेरी यूनिक पिक्चर बट द क्वालिटी ऑफ द इमेज मे नॉट बी गुड। अगर आप देखोगे कि मैंने किस टाइप के लोगों को दिखाया, मैंने बेसिकली चार टाइप के लोगों को दिखाया, वुमेन हु आर नॉट फोटोग्राफर्स, वुमेन हु आर फोटोग्राफर्स, मेन हु आर नॉट फोटोग्राफर्स, मेन हु आर फोटोग्राफर्स। अगर मैं पोर्ट्रेट की जॉनर के बारे में बताऊं, एक्सेप्ट फॉर द मेन हु आर फोटोग्राफर्स एवरीबडी एल्स वेंट फॉर द फोटो विच वॉज इधर क्रिएटिव और यूनिक, दे डिड नॉट बॉदर मच अबाउट द इमेज क्वालिटी। जब मैंने कुछ फोटोज दिखाया स्ट्रीट फोटोग्राफी का, स्ट्रीट एंड ट्रेवल फोटोग्राफी, द रिजल्ट वॉज प्रिटी मच द सेम। लेकिन जब मैंने लैंडस्केप और आर्किटेक्चर का फोटोज दिखाया ऑलमोस्ट ऑल वेंट फॉर इमेज क्वालिटी। इस पर्टिकुलर पॉइंट में भले ही हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि फीचर्स इम्पॉर्टेंट है या इमेज क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है कैमरा के बॉडी के अंदर, लेकिन हमें अंदाजा लग जाता है कि एज अ व्यूअर वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, इमेज क्वालिटी एक व्यूअर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। पर्सनली मुझे लगता है कि फीचर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप जब कैमरा खरीदते हो तो फीचर्स को बहुत ध्यान में रख के आपको कैमरा खरीदना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि आपके पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली डिफर करता हो एंड मुझे पता है कि 90% ऑफ यू पीपल यू थिंक अदरवाइज। आई वुड लाइक टू नो मोर रीजंस। वहाँ पे जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाया वहाँ पे लिमिटेड रिएक्शंस और कमेंट्स आता है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और ज़्यादा रीजंस दो कि क्यों इमेज क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है एक कैमरा बॉडी लेते वक्त। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आई बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। इफ़ यू फील कि मैंने आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। थैंक्स अगेन, टेक केयर।